दोस्तों आज मंगलवार को भारत बंद है, आपको पता होगा राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर आज भारत बंद में क्या क्या बंद रहेगा? सरकार की नई गाइडलाइंस जारी हुई है दोस्तों भारत बंद को लेकर, तो आपको जरूर जानना चाहिए। एक भारतीय नागरिक होने के नाते आखिर आप जिस भी राज्य में रहते हैं वहाँ पर भारत बंद का माहौल कैसा रहेगा? क्या क्या दुकानें बाजार वगैरह बंद रहेंगे? क्या पेट्रोल पंप्स वगैरह भी बंद रहेंगे? आखिर क्या कुछ इसको लेकर नई गाइडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, हेडलाइंस न्यूज अपडेट आ रहा है, आइए मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। तो दोस्तों इन टर्म्स ऑफ सिंपल, ये तो आपको पता होगा कि आज किसान भाई लोगों ने सरकार के द्वारा जो 3 नए कृषि कानून बनाए थे उनको वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठन ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, राइट। लेकिन भारत बंद तो है और इसी बीच सरकार की जो गाइडलाइंस आई है, गृह मंत्रालय ने भारत बंद को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है और सभी राज्यों को कानून व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की बात कही है। गृह मंत्रालय ने ये निर्देश जारी किया कि राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो, शांतिपूर्ण माहौल रहे, शांति भंग ना हो। अब क्या क्या चीजें बंद रहेगी, क्या क्या खुला रहेगा, तो मैं आपको बता दूं। एक तो भारत बंद के दौरान आज राजधानी दिल्ली में ओला उबर की टैक्सी नहीं चलेगी, ठीक है। इसके अलावा सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन ने किसानों के समर्थन में ये बड़ा ऐलान किया। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी देशव्यापी चक्का जाम की घोषणा की है। एसोसिएशन के इस ऐलान के बाद अब लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। भारत बंद में दोस्तों कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो 8 ऐसे राज्य हैं जो भारत बंद में शामिल हैं, हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि दोस्तों मैंने आपको आज के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज अपडेट में भारत बंद से संबंधित काफी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई भी थी, राइट। लेकिन आप ही में से बहुत सारे डीएलएस भाई के जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो नीचे कमेंट किए कि यार डीएलएस भाई ये भारत बंद में क्या क्या बंद रहेगा वगैरह वगैरह, तो इसकी सही जानकारी दो, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो यहाँ पर बना के बता देता हूँ। तो एक तो केट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, उसने और ट्रांसपोर्टर्स ने कहा दोस्तों की 8 दिसंबर को दिल्ली समेत देश भर में बाजार और ट्रांसपोर्ट खुले रहेंगे, ठीक है। तो ये तो राहत की बात है। और बाकी दोस्तों सरकार ने ये चेतावनी भी जारी की है कि अगर कोई जबरदस्ती करना दुकान कारोबार वालों को जबरदस्ती बंद कराता है ना, तो फिर वो रडार पर होंगे और उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। जी हाँ, तो ये इस बार सरकार ने भारत बंद में पहली बार ऐसा नया नियम बनाया दोस्तों कि कोई जबरदस्ती करके दुकानदारों को और बंद नहीं कर सकता कारोबारियों को, है ना। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 8 राज्य भारत बंद के सपोर्ट में है, कौन कौन से राज्य हैं, तो उसमें शामिल है दोस्तों राजधानी दिल्ली तो है, इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल और महाराष्ट्र सरकार इसमें शामिल है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने किसानों की मांगों का समर्थन भले ही किया लेकिन भारत बंद को समर्थित नहीं किया। इसके अलावा कहां कहां किन किन राज्यों में क्या क्या चीजें खुली रहेगी और बंद रहेगी, तो इसको लेकर आप देख सकते हैं। राजस्थान राज्य में इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेगी, अनाज और मंडियां ये बंद रहेगी, ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भारत बंद को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दोस्तों पंजाब राज्य में पेट्रोल पंप जो है ना वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। पंजाब पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रधान परमजीत सिंह ने इस बात की घोषणा भी कर दी है। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं व उनसे जुड़ी गाड़ियों को पंप से ईंधन मिलेगा, जैसे कि कोई एम्बुलेंस हो गया या इमरजेंसी गाड़ियां हैं तो उनको पेट्रोल पंप पर तेल दिया जाएगा, अदरवाइज दूसरी जनरल पब्लिक की आम गाड़ियों में पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं भरा जाएगा पंजाब राज्य में, है ना, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। इसके अलावा दोस्तों झारखंड में भी भारत बंद को देखते हुए कुछ परीक्षाओं को टाल दिया गया, एग्जाम्स वगैरह को रोका गया। देखिए भारत बंद के आह्वान को देखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी ने अपनी परीक्षाओं को रद्द कर दिया। 8 दिसंबर को यहां 2 सिटिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं होनी थी, तो भारत बंद का एजुकेशन पर भी कितना प्रभाव पड़ा देख सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में संवेदनशील मार्गों पर बसें नहीं चलेगी। किसानों के देशव्यापी बंद का महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों दल यानी कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने समर्थन किया है। समाज सेवी अन्ना हजारे मंगलवार को किसानों के समर्थन में अपने गांव रालेगन सिद्धी में एक दिन का अनशन लेंगे और बाकी भारत बंद को देखते हुए संवेदनशील मार्गों पर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों को नहीं चलाने का फैसला लिया गया। हरियाणा राज्य में भी दोस्तों राज्य के 3400 पेट्रोल पंप दोपहर बाद 3 बजे तक बंद रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हरियाणा के पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान संजीव चौधरी ने कहा कि किसानों के समर्थन में आज हरियाणा राज्य के 3400 से ज्यादा पेट्रोल पंप सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक यहां पर भी बंद रहेंगे। अच्छा, और बाकी दोस्तों सब्जी मंडियों में भी बंद का ऐलान किया गया। रोडवेज निगम के अधिकारियों ने यात्री मिलने पर बसों के संचालन का दावा किया। मेडिकल स्टोर्स वगैरह खुले रहेंगे। बाजारों के खुलने या बंद रहने पर देर शाम तक व्यापारी एकमत नहीं हो सके। उत्तर प्रदेश को लेकर खबर दोस्तों कि व्यापारी संगठनों ने बंद के समर्थन का ऐलान ही नहीं किया। देखिए जरा भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों के भारत बंद का आंशिक असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में किसान संगठन के पदाधिकारी जगह जगह प्रदर्शन करेंगे। सपा ने भी किसान भाई लोगों का समर्थन देने का ऐलान किया। हालांकि दोस्तों राज्य में किसी व्यापारी संगठन ने भारत बंद के समर्थन का ऐलान नहीं किया। शहर में सभी मार्केट वगैरह खुले रहेंगे, ट्रांसपोर्ट के सभी संसाधन खुले रहेंगे। छत्तीसगढ़ रायपुर में विधायक बंद की अगुवाई करेंगे और बाकी दोस्तों इन राज्य की सरकारों ने भारत बंद का समर्थन नहीं किया, तो कौन कौन सी सरकारें हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी बोलते हैं कि प्रदर्शन के दौरान आम लोगों को परेशानी होने पर सख्ती से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अच्छा, और इसके अलावा दोस्तों 5 दौर की बैठक फेल हो चुकी है। अब 9 दिसंबर को किसान भाई लोगों के और सरकार के बीच में और बातचीत होगी। वैसे किसानों और केंद्र सरकार के बीच 5 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सभी का नतीजा बेतुका रहा। उनमें कोई भी कंक्लूजन उन बैठकों का नहीं
नहीं निकल पाए। अब किसान भाई लोग पूरे कानून को ही खत्म करने की मांग कर रहे हैं, हाँ या ना में जवाब मांग रहे सरकार से, जबकि केंद्र सरकार किसानों को इन कानूनों में संशोधन करने की जरूर बात कर रही है। अब 9 दिसंबर की सुबह यानी कि कल ही 11 बजे फिर से किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच छठी बैठक होगी और देखना यह है दोस्तों कि आखिर उस बैठक में क्या निर्णय ले पाते हैं सरकार की तरफ से और किसान भाई लोग भी क्या कुछ बातों में सहमत हो पाते हैं। जो कोई भी खबर अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। बिल्कुल इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाए रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, है ना। और आप मुझे नीचे कमेंट करके ये जरूर बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर में आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। ओके, और बाकी भारत बंद का अगर आप भी सपोर्ट करें तो मेरी आपसे प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी शांति भंग ना करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को और प्राइवेट प्रॉपर्टी को, दोनों ही जगहों को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि एटलीस्ट दोस्तों नुकसान हमारे देश का है। आप देश को एक परिवार की भांति सोचकर समझिए जरा कि क्या हम अपने खुद के घर में कभी तोड़फोड़ करते हैं, नहीं ना। तो देश को भी अपना ही परिवार समझे और किसी भी चीज को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि किसी भी चीज की क्षति होना मतलब एटलीस्ट पैसों की बर्बादी, चाहे प्राइवेट की हो चाहे पब्लिक की हो गवर्नमेंट की हो, है तो हमारे देश को ही नुकसान, राइट। तो प्लीज आप सपोर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सरकार के खिलाफ आंदोलन लाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, तो इट विल बी बेस्ट। और इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।